नमस्त संस्कृत आय। संस्कृत गंगा धारा गंध प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, भाषा विज्ञान पर प्रश्नोत्तरी हो रही है, एपिसोड तीसरा है आज का। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लिक ध्वनियाँ पाई जाती हैं, क्या प्रश्न है? क्लिक ध्वनियाँ पाई जाती हैं, कैसे? सुडानी परिवार में पाई जाती हैं, या पापुई परिवार में, होतेन तोत बुशमैनी परिवार में, या बंतु परिवार में? तो ध्यान रखिए, क्लिक ध्वनियाँ कहाँ किस परिवार में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो किस परिवार में पाई जाती हैं? होतेन तोत बुशमैनी परिवार में पाई जाती हैं क्या ये क्लिक ध्वनियाँ? ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मलय बहुद्वीपीय परिवार का अपर नाम है, सही विकल्प चुनना है आपको। मलय पोलिनेशियाई, या मलय ऑस्ट्रेलेशिया, या फिर हाइपरबोरी, या एशियाई? अरे हाँ, देखिए, मलय बहुद्वीपीय परिवार का अपर नाम है, सही विकल्प चुनना। आप सही है बस, क्या मलय पोलिनेशियाई, या मलय ऑस्ट्रेलेशियाई, हाइपरबोरी, एशियाई? इसका अब बताइए क्या हो सकता है। मलय बहुद्वीपीय परिवार का अपर नाम कौन सा सही विकल्प है ये बताना है। एक या दो, एक या फिर तीन, दूसरा या चौथा, तीसरा कि चौथा? तो आपको इसका मतलब ये होता है कि दो विकल्प इसमें सही हैं। मलय पोलिनेशियाई कहते हैं, मलय ऑस्ट्रेलेशियाई कहते हैं, या फिर हाइपरबोरी एशियाई कहते हैं, या फिर ये पहले के साथ तीसरा है कि पहले के साथ चौथा, ऐसा आपको देखना है। तो क्या बोलते हैं? अच्छा, मलय पोलिनेशियाई भी कहते हैं और मलय ऑस्ट्रेलेशियाई भी कहते हैं, अर्थात विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पापुई परिवार में न्यूगिनी द्वीप की प्रसिद्ध भाषा है तेलुगु, फार्मोसी, मलय, मफोर? तो ये आपको बताना क्या, पापुई परिवार इसमें न्यूगिनी द्वीप की प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? तो कौन सी हो सकती है बताइए, पढ़े हैं तो पता ही होगा, मफोर। नहीं पता है तो जान लीजिए विकल्प डी आपका सही उत्तर है, मफोर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई परिवार की भाषा है क्या? ऑस्ट्रेलियाई परिवार की भाषा बताना है। अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, या अयोगात्मक? तो ऑस्ट्रेलियाई परिवार की भाषा आपको बताना है, क्या हो सकता है? क्या अच्छा, अश्लिष्ट योगात्मक होगा। ठीक है, अश्लिष्ट और योगात्मक दोनों ध्यान रखिएगा, अश्लिष्ट प्लस योगात्मक, अयोगात्मक मन मारिएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार को किस नाम से जाना जाता है? हाइपरबोई, ऑस्ट्रोएशियाटिक, मलय पोलिनेशियाई, या उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है, बताइए, पढ़े हैं तो। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशियाई को ऑस्ट्रो एशियाटिक से नाम से जानते हैं, विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक नाम से जानते हैं। मुंडा किस समूह की भाषा है? दक्षिण पूर्व एशियाई की, द्रविड़ की, बास्क की, भारोपी परिवार की? तो मुंडा किस समूह की भाषा है? दक्षिण पूर्व एशियाई। हाँ, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मुंडा किस समूह की भाषा है, तो दक्षिण, हाँ, तो दक्षिण पूर्व एशियाई की भाषा है, विकल्प ए सही हो। ए हो भी हो सकता है कि आपको कठिन लग रहा हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाषा विज्ञान सबका पढ़ा हुआ नहीं रहता है, परेशान मत होइएगा, पर किताब में सब है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। संथाली भाषा है, आर्य भाषा है, कि द्रविड़ भाषा है, कि ऑस्ट्रो एशियाई है, कि तिब्बती बर्मी है? तो संथाली तो पढ़ा होगा, मुंडा संथाली से पढ़ा जाता है, ये सब पूछा भी जाता है UGC वगैरह में, PGT में। तो संथाली भाषा कैसी भाषा है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाई है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शामी शाखा की प्राचीन भाषा है क्या? शामी शाखा की प्राचीन भाषा है अक्कादी, आइनू, युकगिर की, मुंडा? हाँ, अक्कादी, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो सब अच्छे से आ जाएगा। आप भाषा विज्ञान उठाइए, कपिल देव द्विवेदी की, मुझे तो अच्छी लगती है, कपिल देव की द्विवेदी की भाषा विज्ञान पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, और सब कुछ उसमें दिया गया है, वहीं से प्रश्न बने हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ना लगे कि बहुत कठिन है ना। अभी तक हम लोग क्या सरल सरल पढ़े हैं, तो कठिन वाला आता है तो लगता है बहुत कठिन तो नहीं, और नया विषय है,
भाई भाषा विज्ञान है, और ऐसा तो नहीं है कि वो इसीलिए टीजीटी में नहीं पूछा जाता, इसीलिए पीजीटी उसमें नहीं पूछा जाता, यूपी टेट में कहाँ पूछा जाता है, सब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो ध्यान देने की बात यही है कि आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सामी परिवार की भाषा से संबंधित क्षेत्र है अरब क्षेत्र, इराक, फिलिस्तीन, उपयुक्त सभी। तो सामी परिवार की भाषा से संबंधित क्षेत्र बताना है, कौन सा क्षेत्र है? हाँ, तो देखिए फिलिस्तीन भी है, इराक भी है, अरब भी है, ठीक है। सामी परिवार की भाषा से संबंधित क्षेत्र पूछा जाएगा तो आपको अरब, इराक और फिलिस्तीन सब बताना है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकी परिवार की भाषा नहीं है, अमेरिकी परिवार की भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा नहीं है। एकवे, होक, कुचुआ, चिवाचा, नाम भी गजब गजब है। एकवे, होक, कुचुआ, चिवाचा, ठीक है, कौन सा नहीं है? एकवे, विकल्प ये अमेरिकी परिवार की भाषा नहीं, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी होक, कुचुआ, चिवाचा, ये मैं सोचिए कहाँ से ऑप्शन रखे, ये सब है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, संस्कृत, अंग्रेजी, तोखारी, तेलुगु। तो आपको पता है तेलुगु किसकी भाषा है? द्रविड़ की है ना, तो द्रविड़ परिवार की है, इस वजह से आपको यही पता चल गया कि डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि द्रविड़ परिवार की, तोखारी, अंग्रेजी, संस्कृत, भारोपी परिवार की भाषा है, विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख ही ये प्रमाण मिलता है, इराक से, बैक्ट्रिया से, ईरान से, कि सीरिया से। तो आपको पहले देखना भारोपी भाषा का जो प्राचीनतम अभिलेख ही प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? ईरान की इराक, हाँ, तो देखिए ध्यान रखिए ईरान से, कहाँ से? इराक से नहीं, ईरान से मिलता है, विकल्प सी सही उत्तर है। अवेस्ता भारोपी परिवार की किस शाखा से संबंधित है? ये तो आप लोग को पता होगा, ये तो ज्यादातर लोगों को पता रहता है। अवेस्ता भारोपी परिवार की किस शाखा से संबंधित है? भारतीय रानी शाखा से, ग्रीक शाखा से, हित्ती शाखा से, तो खारिज शाखा से। जो भी भाषा विज्ञान पढ़े होंगे, जो नॉर्मल पढ़ेंगे, हम ये नहीं कहते बहुत डीपली पढ़ेंगे, नॉर्मल भी पढ़े होंगे तो भी ये प्रश्न सबको पता होगा कि अवेस्ता भारोपी परिवार की किस शाखा से संबंधित है? भारत ईरानी शाखा से, ध्यान रखिए विकल्प ए सही उत्तर। यदि नहीं पता है तो फिर पता कर लीजिए, भारत ईरानी शाखा से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको पीजीटी पूछा जा सकता है, आपके टीजी उसमें यूजीसी में पूछा जा सकता है, और जहां जहां भाषा विज्ञान है कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक। भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा। तो ध्यान रखिएगा भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम भाषा की बात हो रही है, प्राचीनतम मतलब जो सबसे पहले आई होगी, जो सबसे पहले रही होगी, पुरानी कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या हो सकता है? तो वैदिक, वैदिक देवताओं की वाणी से संबंधित है भाई, अपौरुषेय वाक्य में वेद बोला गया है तो वेद से संबंधित है, अपौरुषेय माने मतलब पुरुषों के द्वारा लिखा गया नहीं है, अपौरुषेय है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग नहीं थे, हमारी सृष्टि की जब बनावट हुई रही होगी उसके बाद ही ये भाषा आई थी, और देव की वाणी संस्कृत कहा जाता है, पर लौकिक वैदिक के बाद आई ना, पाली प्राकृत तो एक तरह से अभ्रवंश है, उसके बाद आती गई, पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत भाषा जो कि प्राचीनतम भाषा है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषा के मुख्य विभाग हैं, ध्वनि के आधार पर पूछा जा रहा है, तो ध्वनि के आधार पर जो भारोपी भाषा के मुख्य विभाग है, 2, 3, 4, 5 कितने विभाग है? दो, कौन कौन से? हाँ, तो ये भी आप भाषा विज्ञान जो भी पढ़ा होगा सतम और केंटम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो यही पूछा जा रहा है कि ध्वनि के आधार पर अगर देखा जाए तो भारोपी भाषा के दो मुख्य भेद हैं, कौन कौन आपको पता होगा? ये सतम और ये केंटम, यही दो हैं। चलिए हम लोग चलते, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, दो है, सतम और केंटम। ध्वनि के आधार पर भारोपी भाषा परिवार को दो वर्गों में कौन विभाजित किया? तो ये देखिए, अगर सतम केंटम की बात जब करेंगे तो उसमें एक प्रोफेसर का नाम आया है, वो कौन है भी बताते हैं, प्रोफेसर अस्कोली है कि होमबाल्ट है, ए एच गार्डिनर है कि पी डी घुड़े हैं। तो आपको पता है सतम केंटम के बारे में किसने बांटा? हाँ, प्रोफेसर अस्कोली ने बांटा है 1870 में, हाँ 1870 में बांटा है, और 10 परिवारों में बांटा है, जिसमें 4 सतम है, अच्छा केंटों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा,
पहले तो ध्वनि के आधार पर दो भेद हुए, सतम और किंटुम। फिर किसने किया? प्रोफेसर अस्कोली ने। कब किया? 1870 में किया। और फिर 10 परिवारों को उन्होंने डिवाइड किया दो भागों में, तो सतम में कितने परिवार गए? 4 परिवार। और किंटुम में कितने गए? 6 परिवार गए। तो ठीक है, फिलहाल यहाँ जो पूछा गया ध्वनि के आधार पर भारूपी भाषा परिवार को दो वर्गों में कौन विभाजित किया, तो कौन? प्रोफेसर अस्कोली। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न की ओर। भारूपी भाषा परिवार में सतम वर्ग की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं? 4, 6, 9, 7। तो ध्यान रखिएगा, भारूपी भाषा परिवार में सतम वर्ग की कितनी है? तो बताया गया कितनी? 4 है। 4 परिवार आते हैं सतम में, 6 परिवार आते हैं केंटुम में, आपको बताया गया। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारूपी भाषा परिवार में भारत यानी वर्ग किस वर्ग में आता है? ध्यान रखिएगा, 4 पार्ट हुए थे किसमें? 4 परिवार गए थे सतम में, अच्छा गए थे आपके केंटुम में। तो यदि याद होगा तो आप बता सकते हैं केंटुम वर्ग में गया कि सतम में, कि चीनी परिवार में, कि बंतु परिवार में। तो भारूपी भाषा परिवार में जो भारत ईरानी वर्ग है वो किस में जाता है? सतम वर्ग में। कौन कौन सा है? भारत ईरानी है, बाल्टो स्लाविक है, आर्मेनी है और अल्बानी है। ये सतम के है चारों परिवार। फिर ग्रीक नहीं, ग्रीक केल्टिक जर्मानिक हिटाइट इटालिक हिटाइट भी है ना, तो ये सब आपके आ जाएंगे किसमें? केंटुम में। ठीक है, तो विकल्प 20 फिलहाल सही उत्तर है। भाषा विज्ञान में सबसे अच्छा लगता है सतम केंटुम पढ़ना। विकल्प 20 सही उत्तर है। ठीक, चलिए। भारूपी भाषा परिवार में केंटुम वर्ग से असंबंध है, ध्यान रखिएगा, केंटुम वर्ग से जो असंबंध है, मतलब जो सतम से संबंधित है वो बताना है। आर्मेनी है, ग्रीक है, केल्टिक है, तोखारी है। तो आपको चार भाग पता है किसके किसके? भारत ईरानी सतम के, पहला कौन है? भारत ईरानी। दूसरा कौन सा है? बाल्टो स्लाविक। तीसरा कौन है? आर्मेनी। चौथा कौन है? अल्बानी। तो अब देखिए, आर्मेनी आपको मिल गया ना, आपको सतम का याद है तो आप बता सकते हैं ये केंटुम से संबंधित नहीं है क्योंकि सतम से संबंधित है, जबकि ग्रीक केल्टिक तोखारी हिटाइट और क्या क्या है, जर्मानिक, ये सब क्या? तोखारी तो दिया है, केल्टिक दिया, ग्रीक दिया है, हिटालिक है और इटालिक भी है। तो ये किससे है? ये सब केंटुम से संबंधित है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारूपी भाषा परिवार में सतम वर्ग से संबद्ध है। अब देखिए, सतम वर्ग से पूछा गया इटालिक हिटाइट केल्टिक आर्मेनी, तो आपको पता है ना सतम वर्ग से कौन संबंधित है? आर्मेनी। और केल्टिक हिटाइट इटालिक तोखारी ग्रीक ये किससे है? ये केंटुम से है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चार भी रट लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा सतम, लेकिन कोशिश करिए दसों को जानिए। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। प्रश्नोत्तरी आपकी 20 प्रश्नों की हो गई। अभी भाषा विज्ञान के तीसरा एपिसोड था ना? हाँ, तीसरा था। अभी दो एपिसोड आपके लिए अभी हमारे पास है। बस आज इतना ही, हम फिर से अगले एपिसोड साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, संस्कृत आए।